पांच रोल्स हैं जो कि ओपन हुए हैं इनके नाम हैं यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर टेक्नोलॉजी के बारे में सारी डिटेल्स कैसे पा सकते हो तो so, सबसे ऊपर आपको लोकेशन विजिबल होंगी जैसे की यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर के लिए हैदराबाद और बैंगलोर की लोकेशन है इसके बाद आपको यह दिखाई दे जाएगा की वर्क का नेचर कैसा है यानी कि कितना वर्क फ्रॉम होम है और आपको कितना ट्रैवल करना पड़ सकता है इसके नीचे आओगे तो आपको राइट हैंड साइड पे क्वालिफिकेशन दिखेंगी। फॉर एग्जांपल इसके लिए वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है जो करंटली एक बैचलर्स डिग्री में है यानी कि कॉलेज में है आउट ऑफ ऑल फील्ड इनमें से किसी भी डिग्री में अगर आप हो साथ ही में आपके कॉलेज का कम से कम एक सेमेस्टर जरूर बचा होना चाहिए सिर्फ तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशंस भी हैं अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशंस होंगी तो आपके सेलेक्ट होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे इसके अलावा आपको लेफ्ट हैंड साइड पे यहां पे रिस्पांसिबिलिटीज दिख जाएंगी अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो आप सिंपली इस बटन पे क्लिक करके साइन इन करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो ये पांचों आपको एक लिंक के थ्रू भी मिल जाएंगी वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में एड कर दिया है जितनी भी और इंटर्नशिप भी अनाउंस होती रहेंगी

और डेटा एनालिटिक्स ऑफर हो रही है अब मैं आपको अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप का डिफरेंस एक्सप्लेन कर देती हूँ इंटर्नशिप शॉर्ट टर्म होती है यानी कि एक से तीन या मैक्सिमम छ महीने की अप्रेंटिसशिप ऑन द अदर हैंड एक से तीन साल की होती है अब मैं आपको इन तीनों में से डिजिटल मार्केटिंग अप्रेंटिसशिप का एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करती हूँ इसकी डिटेल्स क्या है सो so, सबसे पहले आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको लोकेशंस पता लग जाएंगे जैसे डिजिटल मार्केटिंग अप्रेंटिसशिप हैदराबाद बैंगलोर गुड़गांव और मुंबई लोकेशंस के लिए ऑफर हो रही है इसके नीचे आपको मिनिमम क्वालिफिकेशंस पता लग जाएंगी जैसे कि बैचलर्स डिग्री होना जरूरी है और एक साल का एक्सपीरियंस इन डिजिटल मार्केटिंग आफ्टर योर ग्रेजुएशन भी जरूरी है लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे आपको एक लास्ट लाइन और दिखाई देगी जहाँ ये लिखा हुआ है की उनको डिजिटल मार्केटिंग के करियर वाले लोग ही चाहिए लेकिन उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि अगर आप रीसेंट ग्रेजुएट हो यानी कि आपने किसी भी फील्ड में जस्ट अभी कॉलेज वर्क एक्सपीरियंस है या फिर कि आपके पास लिखा हो कि ये है, नीचे दे हैव क्लियरली स्पेसिफाइडेंट ग्रेजुएट हो और अगर आपके पास किसी भी एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो इसके नीचे आपको रिपोर्सिबिलिटी पता चल जाएंगी एंड टॉप पे आपके पास अप्लाई का बटन होगा जिसके थ्रू आप इनके एप्लीकेशन पेज पे पहुंच सकते हो एंड वहां पे सारी डिटेल फिलअप करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हो गूगल की ये तीनों अप्रेंटिसशिप 24 यानी कि दो साल की हैं और इनकी स्टार्टिंग डेट होगी मार्च या जून ऑफ 2024 इन तीनों में ही अप्लाई करने की लास्ट डेट है फिफ्टींथ ऑफ डिसम्बर वैसे तो जनरली अप्रेंटिसशिप पेड ही होती है लेकिन इनके पेज के ऊपर मेंशन नहीं है की कि कितना स्टाइपेंड या पेमेंट किया जाएगा पर मंथ जिस तरह मैंने आपके साथ माइक्रोसॉफ्ट का एक लिंक किया था उसी तरह गूगल का भी एक लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे किसी भी समय जो भी इंटर्नशिप या अप्रेंटिसिप अवेलेबल होंगी इंडिया में वो आपको वहां पे विजिबल हो जाएंगी सो so, ये लिंक को भी आप सेव करके रख सकते हो इन नटल आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एज वेल एज गूगल के इंडिया में होने वाली इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप के लिए दो लिंक्स अवेलेबल हैं। आप जस्ट उनको रिफ्रेश करके देखते रह सकते हो और जो करंट अपॉर्चुनिटीज हैं, उनके लिए आप डेफिनेटली अप्लाई करना अगर आप एलिजिबल हो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस गाइस, एंड आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे